हरियाणा सरकार ने ग्रामीण हरियाणा को पूरी तरह से खुले से शौच मुक्त घोषित कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि अब ओडीएफ प्लस के तहत सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। मनोहर सरकार ने ग्रामीण हरियाणा को पूरी तरह खुले से शौच मुक्त घोषित किया है। ऐसे करने वाला हरियाणा देश का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले हिमाचल, सिक्किम और केरल पूरी तरह से ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि इस मामले में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र आगे आ रहे हैं। हरियाणा की समस्त लोगों को ये बधाई दे रहा हूँ कि हम एक स्वच्छता के एक मानदंड पर उससे आगे आए हैं। कभी कभी ये तुलना बहुत होती है कि शहर आगे होते हैं और गाँव पीछे होते हैं। आज थोड़ा सा क्रेडिट में लेना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र इस मामले में शहरों से आगे है। अभी शहरों को ये करने में अपना समय लगेगा। धनखड़ ने बताया कि इसके बाद लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ने का लक्ष्य है। धनखड़ ने ग्रामीण हरियाणा को ओडीएफ बनाने में महिला अधिकारों की भूमिका को भी सराहा है। इस काम को करने में महिला अधिकारियों और महिला जनप्रतिनिधियों, सरपंच, पंच, इनने ज्यादा जोरदार भूमिका निभाई है। जो शुरुआत में जो जिले हुए उनमें भी महिला अधिकारियों का उस नाते से, चाहे हमारा सिरसा का था, चाहे पंचकूला का था, अब अगला अभियान है ओडीएफ प्लस। अभी तक हम ओडीएफ में थे। ओडीएफ प्लस का मतलब है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हाउस होल्ड लेवल पे ही मैनेज कर लेंगे सॉलिड वेस्ट को, किचन गार्डन में यूज करके बायोडिग्रेडेबल, और जो लिक्विड वेस्ट है उसको सॉकेट पिट के माध्यम से रिचार्जिंग में यूज करके। तो ये हम सर अभी वर्ल्ड बैंक की सहायता से ही मॉडल्स बनाए हैं और 16 जगह हमने पायलटिंग शुरू की है। राज्य सरकार को 1 नवंबर तक इस टारगेट को हासिल करना था, लेकिन तय समय से लगभग 5 महीने पहले लक्ष्य हासिल कर लिया गया। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान, जी मीडिया। हरियाणा में कांग्रेस संगठन चुनावों की तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी में आपसी गुटबाजी कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुटों के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिली। हरियाणा में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की गहमागहमी बढ़ने लगी है। इस बारे में वीरवार को चंडीगढ़ में प्रांतीय चुनाव प्रभारी प्रदीप जैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अशोक तंवर और हुड्डा गुट समर्थक मेंबरशिप को लेकर आमने सामने आ गए। हालांकि तंवर ने इस टकराव को दूरियां कम करने वाला बताया। दूसरी तरफ हुड्डा ने बैठक के दौरान किसी भी तरह की टकराव से इनकार किया। अपनी अपनी बात सबने कही और कुछ साथियों की कुछ, क्योंकि प्रोसेस है, प्रोसेस को लेकर के कुछ क्वेरीज थी और मैं समझता हूँ उसका जवाब थी। और क्या प्रोसेस, क्या क्वेरीज नहीं, प्रोसेस तो जो होता है पूरे देश के अंदर जो प्रोसेस है वही प्रोसेस, कोई गर्मी और कोई गुबार नहीं है। सब कांग्रेस पार्टी के लिए, सोनिया गांधी जी और राहुल जी के लिए, सब एक ही बात, एक ही लक्ष्य सबका है। हमें कांग्रेस मजबूत करनी है और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश में बैठक कुछ नहीं है। पार्टी जो चुनाव है उसके सिलसिले में चर्चा थी, कुछ बातें हुई हैं और आगे पीआरओ साहब उसके ऊपर एक्शन लेंगे। कोई गर्मा गर्मी भी नहीं, नहीं कोई गर्मा गर्मी नहीं। हरियाणा कांग्रेस की बैठक लेने पहुंचे प्रभारी प्रदीप जैन का कहना है कि संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई और जो संगठनात्मक प्रक्रिया है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और सब लोग बैठकर उसमें कार्य कर रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव हो। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, कुछ लोग अभी नहीं आ पाए लेकिन सब लोग मिलजुल कर उस प्रक्रिया में कोई मतभेद नहीं रहा। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में तंवर और हुड्डा गुट के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।